यह है इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी का क्लिप्स चैनल झट झट से सीखते रहो सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन दबाओ पता है सीकेन को लेकर वन थिंग आई रिस्पेक्ट अ लॉट इज कि आप नॉलेज अक्यूमुलेटर हो एज इन जिशान शेख खुद एक नॉलेज अक्यूमलेटर है आप बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हो बहुत ज्यादा सीखते हो अलग अलग चीज़ों के बारे में और फिर उन्हीं चीज़ों को लेकर आपने एक यूट्यूब चैनल बना दिया एंड आई फील कि एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है ये एक मूवमेंट है आप बेसिकली नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो

थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ गए टेंथ में तो अच्छे मार्क्स है तो अपना कैसा एक रूल है सेट कि अच्छे मार्क्स है तो साइंस लो थोड़े कम आए तो कॉमर्स ले लो उससे कम आए तो आर्ट्स ले लो नहीं। नहीं। ये मेंटालिटी जब मैं पढ़ रहा था तब तो यही थी एटलीस्ट तो में हाँ यही रहता था कि आप तो ठीक है मैंने साइंस ले लिया तो इसको टोनी रॉबिन्स नायगरा फॉल सेंटर भी बोलते हैं कि हम कैसा एक रिवर में है समझो घुस गए हैं और जहाँ हमें रिवर लेके जा रहा है वहाँ जा रहे हैं दोस्तों ने बोल दिया इंजीनियरिंग कर लो घर वाले बोल दिए तो हमने कर लग गए तो वैसे ही मैं भी इंजीनियरिंग में घुस चुका था बट देखो मेरे घर वाले के साथ हम लोग मैं थोड़ा छोटे घर से ही बिलोंग करता वो लोग मेरे डैडी टैक्सी ड्राइवर है अभी भी सो so, वो टैक्सी ड्राइव करके उन्होंने उनका सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने बहुत पैसे कमाए नाम हो बट ऐसा कुछ है नहीं मतलब करक्स ये ये बेसिकली ये हुआ मुझे पता चला मैं तब मैंने डांस डांस में भी था डांस ग्रुप में हो गया था थर्ड ईयर में, में मेरा एक डांस ग्रुप बन गया था तो वहाँ पर हमारे सीनियर सीनियर्स भी थे और सब मिक्स था तो वो टाइम पर मैंने रियलाइज़ करा जो सीनियर्स थे ना वो लोग अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जा रहे थे अच्छा अच्छा काम मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं था मैं तो कैसे नाम का इंजीनियर था सिर्फ एंड एंड में पढ़ाई करके पास हो गया वैसा लगा था लेकिन जो सीनियर्स थे जो लोग अच्छा कर रहे थे अच्छे मार्क्स के बाद भी उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी कुछ भी हुँ, हु, हु. मतलब वो जो 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 सपने मेरे को दिखाए गए थे कि यार तुम इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारा नाम होगा तुमको पैसे पैसे अच्छे कमा पाओगे ये होगा वो होगा जो मेरे डैडी मेरे सपने देखे थे बट मैंने जब रियलाइज़ किया कि ये सब तो होगा ही नहीं सब सब फसाड है मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है एक इंजीनियर बनने के बाद भी आपकी सैलरी ऐसी रहेगी जितनी यूजली बोलना नहीं चाहिए बट वॉचमैन की भी जितनी सैलरी रहती है उसकी Exactly, उतनी उतनी salary रहती है same kind of salary. तो मतलब क्यों हम लोग ने इतना क्यों ने लाखों रुपए किए मेरे चला चला के इतना जमा इतनी दिल से उन्होंने ताकि टर्निंग पॉइंट था कि यार, ये सब गलत हो रहा है कुछ तो अलग करो ये कौन सा मैंने ना इंजीनियरिंग के मैं थर्ड ईयर में ईयर में था तभी रियलाइज हो गया था कि ये सब गलत है हम जा रहे हैं ना

जॉब करना ही अभी घर वालों ने इतना पैसे डाले हुए इन्वेस्ट किया है ताकि वो बच्चा करके कुछ कल को कमा सके ठीक हाँ, है एक मिनट बोलो ये रिच डैड पुअर डैड किताब जो आपने पढ़ी गोइंग बैक टू एज ट्वेंटी ट्वेंटी तो तभी जो आपने रिजडर्ट पोर्डाट से सीखा जल्दी से समझा दीजिए क्योंकि बहुत सारे हमारे लिस्नर्स रिजड पोर्डार्ड कभी पढ़ेंगे नहीं बट आई फील कि हर इंसान की ग्रोथ में स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ में वो किताब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है रिजिटेड पोर्ड की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रह जाती है बैठ जाती है वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है बेसिकली यूजुअली देखो तो मैक्सिमम लोगों को लगता है ना कि घर एक एसेट है बट रॉबर्ट रॉबर्सा की बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने बोला कि एसेट कोई भी वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसा डाले और लाइबिलिटी hmm. कोई भी वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसे ले ले hmm. और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को समझ में आता रिच मैंने जब मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जिंदगी में अमीर कैसे बनना है तो रिच रिजडे में उसका आंसर था सिंपल आंसर कि जितना हो सकता है उतना एसेट्स बनाओ जितने आपके अलग अलग एसेट्स होंगे जो आपके जेब में पैसे डाल के देंगे उतना आप अमीर बनोगे एकदम सिंपल चीज है लेकिन एज अ स्टूडेंट एज अ बच्चा मैंने कभी चीज सोचा ही नहीं कमाने पैसे ही थे बट पता ही नहीं।, नहीं था कि पैसे कमाते कैसे बट फिर मुझे ये समझ में आया कि नहीं एसेट्स बनाना चाहिए तो एसेट्स ये सिंपल सा एक क्रक्स था ये और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आप कंपनी बनाओ सिर्फ जॉब करते रहोगे तो आपको टैक्स का इशू और तो ऑर्गेनाइजेशन बनाओ बिजनेस करोगे तो अच्छा है एक और अच्छा लेसन ये है उसके अंदर कि आप जॉब करो ना तो सिर्फ जॉब के सेंस में मत करो कुछ सीखने के लिए जॉब करो ताकि वो आपकी स्किल्स आपके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करें माइंड योर ओन माई इंडिया है उसके अंदर कि आप हमेशा अपने बिजनेस पे भी काम करो साइड में आप जो कर रहे हो मतलब जॉब करना है रॉबर्ट ने बहुत सारे जॉब्स किए बट वो जो भी चीज सीखते थे उसको अप्लाई करते थे फिर अपने बिजनेस में में भी साइड में कुछ ना कुछ करते रहते थे जो उनको अलग अलग उनको एसेट्स बनाने में हेल्प करता था तो एट द एंड क्या है आपको बहुत सारे एसेट्स बनाना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे हिसाब से सबको सीखना चाहिए जिंदगी में जितना एसेट है उतना आप कमाओ और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो मेरी एक रिसेंट लर्निंग है कि एसेट्स बनाना एक मतलब अच्छा माइंडसेट होता है बट पेशेंस के साथ बनाइए। बहुत 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 ये बहुत बड़ा लाइक मेरे को लगता है ना जिंदगी में ना सबसे बड़ी चीज़ ये है ना पैराडॉक्स जिंदगी हमारी पैराडॉक्स होती है लाइक काइंड ऑफ चाहिए सक्सेस जल्दी चाहिए लेकिन hmm. उसके लिए पेशेंस चाहिए hmm. ऐसे हर चीज़ ना एक पैराडॉक्स में रहता है कि अब hmm. हम सबको ना बहुत पैसे कमाना है लेकिन पैसे तब आते हैं ना जब आप पैसे से हट के कुछ करना चालू कर दो हंड्रेड परसेंट और आई फील कि एक पाँच साल का स्लॉट रखो दस साल का स्लॉट रखो जहाँ ओवर टाइम आप एसेट्स बना रहे हो ये एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे मेरे हिसाब से जो तो तुम बोल रहे हो ना भाई आजकल क्या सोशल मीडिया आ गया सोशल मीडिया हम लोग स्क्रोल करते हैं अब मैं सच झूठ नहीं बोलूंगा भाई मैं भी देखता हूँ मैं रणवीर भाई तो यार इतना सब कुछ कर रहे लाइफ में यार वो एक आ ही जाता है कि यार मैं मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा ये सारी चीज़ें तो एक कंपैरिजन वो थिंक लाइक अमॉंग बुक है जो भी रिसेंटली मैंने बहुत बार वीडियो भी बनाया उसके ऊपर उसके अंदर भी वही कंपैरिजन हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने आप को कंप्लेन करते हैं ट्रिपल सी ऐसा सात सी उन्होंने बताए थे सात अलग अलग सीज कंपेयरिंग और क्रिटिसाइजिंग ऐसे करके है पूरे बुक में बताया हुआ है तो उसके अंदर एक कॉमन ये कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं एक रेस लग गई है कि यार शिट यार वो कितना क्या करूँ क्या करूँ वो चीज़ की वजह से ना मेंटल हेल्थ हमारी खराब हो रही है एनजाइटी होती है स्ट्रेस होता है ये होता है दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज हम लोग कॉन्टेंटली अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर करें मतलब कि हम लोग ये नहीं समझते कि हम सबकी लाइफ एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इससे रिलेटेड मैंने देखा था एक वीडियो देखा था कि लाइक यूजअली कैसा लगता है लोगों को कि लाइफ एक रेस है हम सब लोग लाइन से ऐसा खड़े हो गए हम सब लोग भाग रहे हैं और जो पहले भागेगा वो जीतेगा ठीक है ऐसा लग रहा लेकिन है लेकिन जिंदगी रियलिटी कैसी है पता है क्या एक जन आगे खड़ा है एक जन थोड़ा पीछे एक hmm. जन शायद बहुत पीछे है hmm. और फिर गन फायर हो रही है तो कुछ लोग जो लोग हेड स्टार्ट है वो लोग जल्दी ही आगे बढ़ेंगे आपसे जो लोग पीछे है वो और थोड़ा टाइम वो लोगों को लगेगा ही पहुँचने के लिए तो हम वी आर कंपेयरिंग आर चैप्टर टेन

आई थिंक टीचर क्लासरूम के अंदर जाता है और वो एक्सपीरियंस टीचर स्टूडेंट्स को कहता है कि आ, लोग आपसे कहेंगे एट थर्टी तक आपको बहुत कुछ अचीव करना है बट द ट्रूथ अबाउट लाइफ इज और फिर जय शेट्टी खुद आ जाता है वहाँ okay. तो जय शेट्टी कहते हैं द ट्रूथ अबाउट लाइफ इज हर किसी की टाइम अलग होती है right. और हर किसी के सर्कमस्टांसेज हर किसी अलग. का पास्ट अलग होता है right. आ, शायद किसी ने कोई चीज एक्सपीरियंस की है अर्ली ऑन जैसे कि भुवन ठीक है भुवन भुवन का एग्जांपल ले लीजिए उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा फेम पाया और फेम की वजह से बहुत कुछ पाया ठीक है एंड अलग अलग यूट्यूबर्स की स्पीड अलग होती है नॉट एवरी वन कैन बी अ भूल नॉट एवरी वन कैन बी कैरी में नॉट ई नॉट एवरी वन कैन बी रितेश अग्रवाल ऑफ ओयो रूम्स ठीक है हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है तो ये मैंने शायद ट्वेंटी सेवनटीन या ट्वेंटी एटीन में ही देखा था ये जय शेटी का ये वीडियो हाँ। और मेरी मैंटालिटी वहाँ से पूरी स्विच हो गई कि बस खुद की गेम पर फोकस करते रहो और और जितना आप खुद की गेम पर फोकस करोगे ना सामने से द राइट पीसिस विल कम एक्सैक्टली exactly, exactly. मतलब मैं मेरी एक थेरी ऐसा कि हमारी जिंदगी ना एक लाइक like, अलग अलग पजल्स है hmm. एक पजल्स मिले हमें वो मिलते रहेंगे कभी अलग मिलेंगे हम वो उन पजल्स का यूज करके कितनी अच्छी पिक्चर बना सकते हैं hmm. वो हमारे ऊपर डिपेंड hmm. करता है और कई वो लोग बोलते हैं बुक क्यों पढ़ना है मुझे लगता है ना बुक्स है आपको बहुत सारे अलग अलग वो पजल्स के पीसेस दे सकते hmm. हैं जो आपको एक परफेक्ट पिक्चर बनाने में लाइफ में हेल्प करेगा बुक्स क्यों पढ़ना hmm. चाहिए सर बुक्स के पढ़ने के बहुत सारे रीजन है